बीटीपीबी, बीटीपीबी, ये नाम इतना छोटा है पर पूछते 10 मार्क्स में है, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन बीटीपीबी इन डिटेल, ठीक है? तो इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, उसमें हमें ये पूरा बोनेगोसेन थेरेपेटिक पॉकेट बुक है ना, ये पूरा इसका नाम बताना है इस रेपर्टरी का इंट्रोडक्शन में, ठीक है? ऑथर के बारे में बताना है, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में, किस फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पे ये रेपर्टरी बेस्ड है, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, इसके चैप्टर रूब्रिक किस तरीके से अरेंज्ड है, वो प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद मेथड ऑफ रेपर्टराइजेशन में ग्रेडिंग वगैरह, कितनी ग्रेड्स हैं इसमें, ठीक है? फिर लास्ट है स्कोप एंड लिमिटेशन। तो ये 5 हेडिंग्स होती हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ठीक? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, तो इंट्रोडक्शन में बीटीपीबी का इंट्रोडक्शन क्या है, तो ऑथर देखे, ऑथर का नाम क्या है, बोनिक हुसैन का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर बैरन क्लीमेंस मारिया फ्रांस वॉन बोनिक हुसैन, ठीक है? तो इनका ना, इनके जो फादर थे उनका भी नाम इसमें इंक्लूड है, मतलब इन्हीं के नाम में, ठीक? तो इनका नाम क्या है, डॉक्टर बैरन क्लेमेंस, ठीक है? डॉक्टर बैरन क्लेमेंस मारिया फ्रेंस वॉन बोनिक हुसैन तो सबको याद है, ठीक है? तो डॉक्टर बैरन क्लेमेंस मारिया फ्रेंस वॉन बोनिक हुसैन, ये ऑथर का नाम है, ठीक है, जिसने ये बीटीपीबी लिखी है। अब इनके बारे में इंट्रोडक्शन में हमें, कब ये बॉर्न हुए थे, तो ही वॉज बॉर्न इन 12th मार्च 1785 इन नीदरलैंड, तो 1785 में बॉर्न हुए थे, 12th of March में, कहाँ पे, नीदरलैंड में। ही वॉज बेसिकली लॉयर बाय प्रोफेशन, तो क्या थे ये, लॉयर थे, ठीक है, पहले तो क्या थे ये, लॉयर थे। ही वॉज फर्मली, ही फर्मली बिलीव इन होम्योपैथी आफ्टर रिकवरी फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथी। तो ये इनको क्या हो गया था, डॉक्टर बोनिक हुसैन को क्या हो गया था, टीबी हो गया था, ठीक है? तो इनने बहुत सारी ट्रीटमेंट ली पर उससे उनको रिलीफ नहीं मिला और ये होम्योपैथी से ठीक हुए थे, क्योर हुए थे, ठीक? तो उसके बाद से इनको होम्योपैथी में इंटरेस्ट आया, तो डॉक्टर बोनिक हुसैन में होम्योपैथी में वो कैसे कन्वर्ट हुए, तो उनको क्या हो गया था, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था, उसके बाद से उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ली उनने, उसके बाद वो रिकवर हो गए, उससे इंस्पायर होके ही इज इनटू होम्योपैथी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ होम्योपैथी एंड गेट मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट होम्योपैथी। और फिर ये डॉक्टर हेनेमन से कब मिले, 1830 में, ठीक है? डॉक्टर हेनेमन से कब मिले ये, 1830 में। तो इनका डेट ऑफ बर्थ, हमें डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, 1785, सोच 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी में ये बॉर्न हुए थे, है ना, 1785 में, और मार्च में, 12th मार्च, कहाँ पे, नीदरलैंड में, तो ये पता होना चाहिए। और 1830 में जाके मिले हैं ये डॉक्टर हेनेमन से, ठीक? हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू होम्योपैथी इज मोस्ट रिमार्केबल इन फील्ड ऑफ रिकवरी, ठीक है? तो हमारी होम्योपैथी के लिए डॉक्टर बोनिक हुसैन ने भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक? तो ही शुड बी कंसिडर्ड एज फादर ऑफ रेपर्टरी इन होम्योपैथी। तो फादर ऑफ रेपर्टरी ही किसको कहते हैं, इन्हीं को, ठीक है? डॉक्टर बोनिक हुसैन को ही फादर ऑफ रेपर्टरी कहा जाता है, ठीक? तो बोनिक हुसैन का पूरा नाम क्या है, डॉक्टर बैरन क्लेमेंस मारिया फ्रेंस वॉन बोनिक हुसैन, ठीक है? तो ये पूरा नाम है उनका, फादर ऑफ रेपर्टरी इन होम्योपैथी। और इनने अपनी रेपर्टरी कौन सी दी थी, बीटीपीबी, तो बी से क्या है, बोनिक हुसैन थेरेपेटिक दे रखी है, तो बोनिक हुसैन थेरेपेटिक पॉकेट बुक है, ये छोटी सी पॉकेट बुक है, ठीक है? तो बोनिक हुसैन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, ये रेपर्टरी का फुल नेम है। पब्लिश कब हुई थी ये, 1846 में, ठीक, 1846 में, 1830 में तो वो डॉक्टर हेनेमन से मिले, 1846 में उनने रेपर्टरी पब्लिश करी अपनी, ठीक है, बीटीपीबी 1846 में पब्लिश हुई है। ओरिजिनल नेम क्या है इस बुक का, ओरिजिनल नेम, ये तो शॉर्ट फॉर्म ही हो गया एकदम, ओरिजिनल नेम क्या है, तो इस बुक, इस रेपर्टरी का ओरिजिनल नेम है थेरेपेटिक पॉकेट बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन, ठीक है? तो ये क्या है, एक थेरेपेटिक पॉकेट बुक है, किसके लिए, फॉर होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए, क्यों, टू यूज एट द बेड साइड, है ना, एंड इन द स्टडी ऑफ द मटीरिया मेडिका, टू यूज एट द बेड साइड एंड इन द स्टडी ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। तो ये इसकी ओरिजिनल बुक का नाम है, थेरेपेटिक पॉकेट बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियंस,
टू यूज एट द बेड साइड एंड इन द स्टडी ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका. तो ये तो इस बुक का नाम हो गया ओरिजिनल. द बुक वॉज रिटन इन जर्मन लैंग्वेज एंड हैव 126 medicines. तो originally it was written in German language. Bonnigussen ने इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? जर्मन लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए. और उसमें टोटल मेडिसिन कितनी थी ओरिजिनली? 126 medicines थी. बट जो टी एफ एल एन है, डॉक्टर टी एफ एल एन ने इस बुक को, इस जर्मन लैंग्वेज वाली बुक को उनने ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर, ठीक है, इंग्लिश में ही ट्रांसलेटेड दिस बुक एंड रीअरेंज द बुक विच बिकम मोस्ट यूजफुल टू फिजिशियन एंड दिस एडिशन हैव 342 medicines. तो डॉक्टर टी एफ एल एन ने ट्रांसलेट किया और कितनी टोटल medicines हो गई इसके अंदर? 342 medicines उनने इसके अंदर लिखा, ठीक. ओरिजिनली तो कितनी थी? ओनली 126 मेडिसिन वॉज देयर. टी एफ एल एन ने ट्रांसलेट करके 342 medicines इसमें एड की, ठीक है, मतलब 342 टोटल मेडिसिन हो गई थी. फिर बीटीपीबी रेपर्टरी जो है वो क्या है? इज एक्चुअली कंपाइलेशन और प्रीवियस वर्क ऑफ डॉक्टर बोनिगुसेन. जो भी उनने वर्क किया, जो भी एक्सपीरियंस किया डॉक्टर बोनिगुसेन ने, उसी का एक कंपाइलेशन शॉर्ट फॉर्म है अपना ये बीटीपीबी रेपर्टरी, ठीक है. डॉक्टर हेनेमन हिमसेल्फ यूज्ड इट इन हिज प्रैक्टिस. डॉक्टर हेनेमन भी यूज करते थे इसको, ठीक है. डॉक्टर एच ए रॉबर्ट जो है ही ब्रॉट आउट अ न्यू एडिशन इन 1935 विथ माइनर चेंजेस एंड प्रैक्टिकली मोर यूजफुल. इसी बीटीपीबी का एक और एडिशन डॉक्टर एच ए रॉबर्ट भी लेके आए थे 1935 में, ठीक है, उसमें कुछ माइनर चेंजेस करके इसी बीटीपीबी का मतलब न्यू एडिशन लेके आए थे एच ए रॉबर्ट्स, ठीक है, 1935 में. तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ऑथर के बारे में, ऑथर का फुल नेम, ठीक है, वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? नीदरलैंड में. डेट पता होना चाहिए 12th मार्च 1785, लेट 17th सेंचुरी, ठीक है. फिर वो कैसे वो हुए थे, क्या कहते हैं उसको, चेंज हुए थे होम्योपैथी को लेके, है ना, तो है ना, कन्वर्ट कैसे हुए थे? तो उनको ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ था, उससे वो ठीक हुए होम्योपैथी से ही, और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हुए, होम्योपैथ बने, है ना. और पहले तो क्या थे, वो लॉयर थे. उसके बाद फिर 1830 में ही मेट विथ डॉक्टर हेनेमन, ठीक है, और उसके बाद इनको फादर ऑफ रेपर्टरी, ये तो पहली लाइन लिखनी चाहिए है कि डॉक्टर बोनिगुसेन जो है ही इज नोन एज द फादर ऑफ रेपर्टरी इन होम्योपैथी. फिर इनकी जो रेपर्टरी बुक है वो कब आई थी हमारी? 1846 में. बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1846 में बीटीपीबी रेपर्टरी जो है वो आई थी 1846 में, ठीक है. इस बीटीपीबी का फुल नेम तो वैसे तो सबको पता है, बोनिगुसेन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, पर ओरिजिनल नेम क्या है ये सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए. जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई थी, ओनली 126 मेडिसिन्स थी, ठीक है, ओनली 126 मेडिसिन्स थी इसके अंदर, ठीक. इसका ओरिजिनल नेम क्या है? थेरेपेटिक पॉकेट बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन टू यूज इट एट द बेड साइड एंड इन द स्टडी ऑफ मटीरिया मेडिका. टी एफ एल एन ने इसको कन्वर्ट ट्रांसलेट करा इंग्लिश के अंदर एंड 342 मेडिसिन्स थी उसके अंदर टोटल, ठीक. फिर एच ए रॉबर्ट ने भी इसका एक नया एडिशन बनाया था 1935 में, ठीक है. डॉक्टर हेनेमन भी इस रेपर्टरी को फॉलो करते थे और यूज करते थे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ओके. अब नेक्स्ट है इसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड. अब ये इंट्रोडक्शन हुआ सिर्फ और सिर्फ. अब फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में हमें क्या क्या लिखना है कि ये जो बीटीपीबी रेपर्टरी है कौन सी वाली फिलोसॉफी पे बेस्ड है? पर्टिक्यूलर टू जनरल, ठीक है. तो पर्टिक्यूलर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है डॉक्टर बोनिगुसेन ने, ठीक है, ऑपोजिट टू केंट रेपर्टरी, ठीक. तो पर्टिक्यूलर टू जनरल पे बेस्ड है ये. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्टर बोनिगुसेन जो है उन्होंने कंप्लीट सिम्टम दिया था ना, डॉक्टर बोनिगुसेन ने, तो इन्होंने कंप्लीट सिम्टम दिया था, ठीक है. तो डॉक्टर बोनिगुसेन गिव मोर इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट सिम्टम. कंप्लीट सिम्टम के अंदर क्या क्या होता है? लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कॉन्कॉमिटेंट होता है ना. लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, किसी भी कंप्लेन की हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, कहाँ पे दर्द हो रहा है? लोकेशन, ठीक है, किस तरीके की सेंसेशन है. मोडालिटी मतलब क्या? एग्रावेशन और क्या एमलरेशन, है ना, दिक्कत किससे बढ़ रही है, आराम किससे आ रहा है, तो ये मोडालिटी. तो डॉक्टर बोनिगुसेन ने कंप्लीट सिम्टम पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया है. ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड चल रहा है कि इस रेपर्टरी में किस किस चीज को महत्व दिया गया है ना. सबसे पहले तो पर्टिकुलर टू जनरल पे मेन फोकस करते थे, वो कंप्लीट सिम्टम पे फोकस करते हैं. और क्या, ये जो बीटीपीबी रेपर्टरी है इट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है,
किस किस कंसेप्ट पे? तो डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी, या जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडी और कॉनकॉर्डेंस। ठीक है, तो ये चार पूरे कंसेप्ट पे ये रेपर्टरी बेस्ड है। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉनकॉमिटेंट, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडी। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडी मतलब ग्रेडिंग्स वगैरह। ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करना रेमेडीज को, तो इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडी, कॉनकॉर्डेंस। तो ये चार बेसिक कंसेप्ट पे ये रेपर्टरी बेस्ड है, ये लिख के ही आना है, ये पता होना चाहिए। अगर हम बीटीपी भी बोल रहे हैं तो हमें उसके फंडामेंटल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस फिलोसफी पे ये बीटीपी भी रेपर्टरी बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम या डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन। ग्रैंड जनरलाइजेशन क्या हो गया? अगर एक जगह मुझे दर्द हो रहा है, अगर यहाँ पे अगर मुझे हेड के अंदर बर्निंग सेंसेशन आ रही है, तो मतलब ग्रैंड जनरलाइजेशन मतलब एज अ होल मान के चलेंगे कि उसको हर जगह जो है वो बर्निंग वाली सेंसेशन आ रही होगी। ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी है, ठीक, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन है। तो एक तो ये हो गया, ही गिव्स मोर इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट सिम्टम विच कंसिस्ट ऑफ लोकेशन सेंसेशन मोडालिटीज, देख लिया था हमने। ठीक है, तो क्या क्या चीज लिखी है ग्रैंड जनरलाइजेशन के बारे में? तो ग्रैंड जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ऑल्सो ट्रू टू द होल पर्सन। अगर मेरा एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट के अंदर जो भी सेंसेशंस आ रहे हैं मुझे, है ना, तो वो मेरे एज अ होल पर्सन, जहाँ मतलब कोई दूसरे पार्ट या दूसरे ऑर्गन में भी वही वाला सेंसेशन आएगा, ऐसा ये मानते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन में ये माना गया है, व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ऑल्सो ट्रू टू द होल पर्सन। ठीक है, अगर एक जगह मुझे जलन महसूस हो रही है, तो मैं दूसरी जगह पे अगर वो सेंसेशन नहीं बता पा रहा है, तो मैं वही मान के चलूंगी कि उसको वहां पे भी वैसी ही सेंसेशन हो रही है। ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन के बारे में पॉइंट हमें पता होना चाहिए। क्या लाइन है, एग्जैक्ट लाइन क्या है? व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ऑल्सो ट्रू टू द होल पर्सन। बहुत ईजी है, सिंपल। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी भी कहते हैं इसी को, डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बीटीपीबी रेपर्टरी। नेक्स्ट क्या है? दिस वे कंसेप्ट इज पर्टिक्युलर टू जनरल, मतलब एक पर्टिक्युलर पार्ट से, एक पर्टिक्युलर बॉडी पार्ट से हम एक जनरलाइज ही पूरा का पूरा उसको बोल दे रहे हैं कि हाँ यही होगा। ठीक है, पर्टिक्युलर टू जनरल इस वे में बोला गया है। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉनकॉमिटेंट। कॉनकॉमिटेंट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस दी है डॉक्टर बोनिग हुसैन ने। कॉनकॉमिटेंट सिम्टम हमें पता है ना क्या होता है? ऐसे सिम्टम विच आर प्रेजेंट विद द मेन सिम्टम, जो मेन कंप्लेन के साथ जो प्रेजेंट होता है ना, उस सिम्टम को हम कॉनकॉमिटेंट कहते हैं, विच हैज नो रिलेशन, नो फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल रिलेशन विद द चीफ कंप्लेन, है ना, उसी को कॉनकॉमिटेंट कहते हैं। तो कॉनकॉमिटेंट क्या होता है? दो सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट विद द मेन सिम्टम्स बट हैविंग नो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रिलेशन विद द चीफ सिम्टम। ठीक है, दीज आर द कॉनकॉमिटेंट सिम्टम। कॉनकॉमिटेंट सिम्टम भी फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस कराया था? डॉक्टर बोनिग हुसैन ने ही करवाया था। ठीक है, कंप्लीट सिम्टम, कॉनकॉमिटेंट सिम्टम, ये सब कुछ डॉक्टर बोनिग हुसैन ने इंट्रोड्यूस करवाया है। नेक्स्ट क्या लिखा है? द आइडिया ऑफ द कॉनकॉमिटेंट वॉज एक्चुअली नॉट अ न्यू, बिकॉज डॉक्टर हैनीमन इंस्ट्रक्टेड ऑन केस टेकिंग ही गेव इंपॉर्टेंस टू इंक्वायरी और सिम्टम बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर द मेन कंप्लेंट। तो ये कॉनकॉमिटेंट के बारे में पूछना या फिर ये कुछ नया नहीं है, इनने तो टर्म दे दिया है कॉनकॉमिटेंट। डॉक्टर हैनीमन ने भी इस चीज़ को लेके केस टेकिंग के एफोरिजम्स में सब कुछ बहुत बार बताया है कि हमें केस टेकिंग के टाइम पे वी हैव टू आस्क द पेशेंट, है ना, कि बिफोर क्या कंप्लेंट्स थी, या फिर उस मेन कंप्लेंट के पहले आप कैसे थे, ड्यूरिंग आपको क्या फील हो रहा है, आफ्टर आपको क्या सेंसेशंस या फीलिंग हो रखी है मेन सिम्टम के साथ। ठीक है, तो ये पहले से भी बता रखा है। तो इससे क्या पता चलता है कॉनकॉमिटेंट सिम्टम से, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज इट हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइजेशन। तो सेकेंड बेसिक कंसेप्ट क्या हो गया? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉनकॉमिटेंट। पहला क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन जिसको कह रहे थे। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉनकॉमिटेंट। कॉनकॉमिटेंट की डेफिनेशन बता देनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन इंडिविजुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? इवोल्यूशन ऑफ रेमेडी, इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। डॉक्टर बोनिग हुसैन वॉज द फर्स्ट टू ग्रेड द रेमेडी, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट, इसीलिए कह रहे हैं ना कि डॉक्टर बोनिग हुसैन ने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है होम्योपैथी के लिए, है ना। वाई? बिकॉज ही ऑल्सो गेव दी, ही वॉज वन हु गेव दी
ग्रेडेशन ऑफ द रेमेडी, इवेल्युएशन ऑफ द रेमेडी. तो बॉनिक हुसैन वॉज द फर्स्ट टू ग्रेड द रेमेडी. द ग्रेडेशन एंड द टाइपोग्राफी, इस रेपर्टरी के अंदर BTPB में कितनी टाइपोग्राफी यूज करी गई है? 5. ठीक है, टोटल 5 टाइपोग्राफी यूज करी गई है. क्या ग्रेडेशन है? सबसे पहले टाइपोग्राफी में कैपिटल लेटर्स लिखा होगा, फिर बोल्ड, फिर इटैलिक्स में, फिर रोमन एंड रोमन इन पैरेंथेसिस. तो सबसे पहले तो क्या है, कैपिटल लेटर्स में मेडिसिन लिखी होगी, ठीक है, कैपिटल. उसके बाद फिर बोल्ड में, थोड़ा इसी को डार्क करके, बोल्ड में, ठीक, फिर इटैलिक्स में, उसके बाद रोमन नॉर्मल एंड रोमन इन पैरेंथेसिस. तो ग्रेडिंग भी ऐसे दी है, कैपिटल वाले को फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन एकदम फुल 5 में 5 मार्क्स, फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है, ठीक है. तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड, फोर्थ, फाइव ग्रेड है ना, 5 ग्रेड है टोटल. और मार्क्स ऐसे, फर्स्ट ग्रेड वाले को 5 मार्क्स, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है. तो ग्रेडेशन एंड टाइपोग्राफी बता दी, ठीक है. इवेल्युएशन ऑफ रेमेडी जो है वो थर्ड बेसिक कंसेप्ट है इसका, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड. लास्ट क्या है, कॉनकॉर्डेंस. कॉनकॉर्डेंस भी फर्स्ट यूज बाय डॉक्टर बॉनिक हसन. डॉक्टर एलन हैज गेव इट द नेम रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी. कॉनकॉर्डेंस तो यहाँ पे लिखा है ना, डॉक्टर बॉनिक हसन की जो मेन रेपर्टरी, ओरिजिनल जर्मन रेपर्टरी के अंदर वर्ड क्या यूज किया गया है, कॉनकॉर्डेंस. पर हमने देखा कि डॉक्टर TF एलन ने इस बुक को ट्रांसलेट कर दिया था इंग्लिश में, है ना. तो वहां पे इनने कॉनकॉर्डेंस के अंदर क्या चैप्टर लिख दिया है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी, ठीक. तो इसमें डॉक्टर बॉनिक हुसैन ऑब्जर्व दैट देर इज अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग मेडिसिन. तो बॉनिक हुसैन ने क्यों कॉनकॉर्डेंस वाला वर्ड यूज किया है, क्योंकि इनको पता है कि जो भी मेडिसिन हैं वो आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है. कुछ तो कंपैटिबल होती हैं, कुछ इनिमिकल होती हैं, कुछ एंटीडोट कर जाती हैं. तो ये सारी उनको पहले से ही पता था कि मेडिसिन का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है. इसीलिए कॉनकॉर्डेंस पे भी बेस्ड है ये रेपर्टरी, ठीक. तो ये फिलोसॉफिकल, मेजर फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे, ठीक है. डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉनकॉमिटेंट, ठीक, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉनकॉर्डेंस, इवेल्युएशन ऑफ रेमेडी, और पर्टिकुलर टू जनरल पे बेस्ड है ये कंप्लीट सिम्टम. अब हम देखते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड हो गया. अब प्लान एंड कंस्ट्रक्शन. तो होल बुक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट, लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडालिटीज. कॉनकॉमिटेंट्स आर फाउंड स्कैटरली. तो BTPB रेपर्टरी हैव 7 चैप्टर या सेक्शंस कह सकते हैं. माइंड एंड इंटेलेक्ट, पार्ट्स ऑफ बॉडी, स्टार्ट्स फ्रॉम हेड टू लोअर एक्सट्रीमिटीज तक. फिर सेंसेशन एंड कंप्लेन, स्लीप एंड ड्रीम्स, फीवर, मोडालिटीज एंड रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी. तो ये टोटल 7 सेक्शन है, ये 7 चैप्टर्स कह सकते हैं. कि माइंड एंड इंटेलेक्ट फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है. तो जितने भी ये जो 7 सेक्शंस हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं, लोकेशन होगा सबसे पहले, फिर सेंसेशन होगा और मोडालिटीज होगी, ठीक है, कंप्लीट सिम्टम पे बेस्ड होगा. तो ये 7 चैप्टर्स में सबसे पहले क्या आ गया, माइंड एंड इंटेलेक्ट. उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हेड से, हेड से, और एकदम हेड अपना थ्रोट, एक्सटर्नल थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन, इस तरीके से पूरा का पूरा लोअर एक्सट्रीमिटीज तक, ठीक. फिर सेंसेशन एंड कंप्लेन वाला चैप्टर आएगा, फिर स्लीप एंड ड्रीम वाला आएगा, फिर फीवर, फिर मोडालिटीज से अलग चैप्टर है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज भी अलग ही चैप्टर है. तो ये जो जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं, तो ये सबके सब कौन सा स्कीमा फॉलो करते हैं, हैनिमेनियन स्कीमा को अच्छे तरीके से फॉलो किया गया है इस रेपर्टरी में भी, ठीक है. रूब्रिक्स में क्या है, रूब्रिक्स के अंदर क्या लिखा है कि इसमें नो डेफिनेट, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, किस तरीके से अरेंज है. जनरल चैप्टर जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज है, और जो पर्टिकुलर वाला जो चैप्टर है वो एनाटॉमिकल वाइज अरेंज है, ठीक है. तो रूब्रिक्स में ऐसा है. तो ये हो गया हमारा प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, कितने 7 चैप्टर्स हैं, और ये इस ये सब जो है, पूरी की पूरी जो बुक है वो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉनकॉमिटेंट, इस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है. चैप्टर हैनिमन स्कीमा को फॉलो करता है. रूब्रिक्स जो है उनका कुछ डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, पर जो जनरल चैप्टर है उसमें अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है. पर्टिकुलर वाला जो पार्ट है उसके अंदर एनाटॉमिकल रीजन, मतलब पर्टिकुलर तो क्या हो गया, पहले हेड आएगा, फिर अपना नेक आएगा, इस तरीके से एनाटॉमिकल पार्ट से वो है, अरेंज्ड है. तो ये हमारा हो गया क्या, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन. अब है मेथड ऑफ रेपर्टराइजेशन, कैसे हम इसको रेपर्टराइज करेंगे, ठीक. तो 2 मेथड है BTPB में रेपर्टराइजेशन के. फर्स्ट मेथड तो रॉबर्ट्स मेथड, ठीक है, और दूसरा जो है वो मॉडर्न मेथड है. तो रॉबर्ट्स मेथड में क्या है, द फिजिशियन कैटेगराइज द डेटा
अंडर द फोर हेडिंग आफ्टर केस टेकिंग. तो हमने केस टेकिंग ली और उसके बाद फोर हेडिंग्स में हम कैटेगराइज करते हैं डेटा को. रूब्रिक्स को हम फिर अरेंज करते हैं लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज और कॉन्कॉमिटेंट में. ठीक है, तो ये तो रॉबर्ट मेथड हो गया कि लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कॉमिटेंट में अरेंज करना है डेटा को. ठीक, तो आफ्टर केस टेकिंग वी हैव टू डू दिस. तो ये वन ऑफ द मेथड है, रॉबर्ट्स मेथड. मॉडर्न मेथड में क्या होता है, मॉडर्न मेथड किसने दिए, डॉक्टर एम एल धवाले धा. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, ही मॉडिफाइज द मेथड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल एंड रिजल्ट सिम्टम्स शुड बी अरेंज्ड एज कॉजेटिव मोडालिटीज. कॉज, अच्छा तो इनने क्या किया है, कॉजेटिव मोडालिटीज में इमोशनल कॉज लो, इंटेलेक्चुअल कॉज लो और फिजिकल कॉज लो. इनने इनने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इनने क्या इसी चीज को थोड़ा और एक्सपैंड करके अच्छे तरीके से समझा के बोला है कि हमें कॉज में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कॉज नहीं लेना है, सिर्फ इमोशनल कॉज नहीं लेना है, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल कॉज लेना है. कॉजेटिव मोडालिटीज, जनरल एग्रावेशन इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल लेवल पे, किस तरीके से एग्रावेशन हो रहा है. जनरल एमलरेशन लेना है इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल बेसिस पे. फिजिकल जनरल में सेंसेशन एंड कंप्लेन्स लेनी है ना पेशेंट की. कॉन्कॉमिटेंट में क्या लेना है, फॉर रेफरेंस एंड डिफ्रेंसिएशन. कॉन्कॉमिटेंट भी लेना है मेंटल सिम्टम्स वगैरह या फिर जो भी कॉन्कॉमिटेंट हमें मिल रहा है मेन कंप्लेन के साथ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है. वाई, डिफरेंसिएशन के लिए या रेफरेंस के लिए कॉन्कॉमिटेंट लेना इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअलाइज करने के लिए. ठीक, तो ये मॉडर्न मेथड है. इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल प्लेन पे हमें रेपर्टराइजेशन के लिए लेना होता है. अब लास्ट जो है वो है स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ बीटीपीबी. तो स्कोप में देखें तो स्कोप में क्या है, बीटीपीबी हैव स्पेशल फीचर्स व्हिच मेक रेपर्टरी मोर यूजफुल. रेपर्टरी बेस्ड, ये रेपर्टरी क्यों, इसका स्कोप है क्यों ये अच्छी मानी जाती है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दी कंप्लीट सिम्टम. ठीक है, कॉन्कॉमिटेंट को इम्पोर्टेंस दिया है इसने. ठीक है, होल बुक जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इट मेक इजी टू फाइंड आउट रूब्रिक, क्योंकि पर्टिकुलर लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन होगी, स्पेसिफिक सेंसेशन, स्पेसिफिक एग्रावेशन एमलरेशन होगा. ठीक है, तो इसकी वजह से इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट रूब्रिक. और रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी वाला चैप्टर भी दिया है. ठीक, तो इससे भी ये रिपोर्टरी जो है वो काफी यूजफुल है, बहुत यूनिक है और वैल्यूएबल है. सोर्स ऑफ बीटीपीबी जो है, सोर्स क्या है बीटीपीबी का, तो डॉक्टर हेनिमेंस की मटीरिया मेडिका प्यूरा. ठीक है, और बॉर्निक हुसैन की खुद की क्लिनिकल प्रैक्टिस. तो ये इतना प्योर सोर्स है इसका, तो इसका जो सोर्स है वो भी बहुत ही ऑथेंटिक है, इसलिए इस रिपोर्टरी को बहुत यूजफुल माना जाता है. सम रूब्रिक्स रिलेटेड टू सेंसेशन मोडालिटीज आर ओनली फाउंड इन बीटीपीबी. तो कुछ तो सेंसेशंस और मोडालिटीज कुछ ऐसे पेक्यूलियर हैं जो कि सिर्फ इस रिपोर्टरी में देखने को मिलता है हमें. ग्रेडिंग एंड मार्किंग सिस्टम और इतनी खतरनाक 5 टाइपोग्राफी दे रखी है. ठीक है, तो बहुत रिमार्केबल है इस रिपोर्टरी के. कॉन्कॉमिटेंट आर गिवन एट दी एंड और सेम चैप्टर विच इज यूनिक एंड यूजफुल फीचर ऑफ बीटीपीबी. तो कॉन्कॉमिटेंट वाला सिम्टम जो बहुत कम रेपोर्टरीज में देखने को मिलता है, कॉन्कॉमिटेंट वाला. ठीक है, कि मेन कंप्लेन के साथ अगर ये भी देखने को मिले कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम, तो हमें बीटीपीबी इस चीज में भी वो लीड कर रही है ये रेपोर्टरी, है ना. कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम भी देखने को मिल रहा है हमें. बीटीपीबी इज कंफर्टेबल एंड यूजफुल फॉर बेड साइड प्रैक्टिस. तो ये तो सब इसके स्कोप हो गए कि कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी वाला चैप्टर है, टाइपोग्राफी और ग्रेडिंग अच्छी खासी दे रखी है. ठीक है, सोर्स जो है बीटीपीबी का वो भी बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि हेनिमन की जो मटेरिया मेडिका प्यूरा है उस पे बेस्ड है, और खुद की क्लिनिकल प्रैक्टिस उनकी उस पे बेस्ड है ना. अब लिमिटेशन देखते हैं कि क्या मेन लिमिटेशन है इनका. डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी जो था, डॉक्टर केंट ने और डॉक्टर हेरिंग ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया कि आप एक पर्टिक्यूलर सेंसेशन को ग्रैंड जनरलाइजेशन कैसे कर सकते हो. ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्ड हुई है. तो ये बेसिक क्रिटिसिज्म है देखने को मिला है बीटीपीबी को लेके. ठीक है, तो इट इज स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड बाय डॉक्टर केंट एंड डॉक्टर हेरिंग फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी या डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट. सो दिस क्रिटिसिज्म में क्वेश्चन मार्क और कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉगी जो ग्रैंड जनरलाइजेशन वाली चीज है उस पे क्रिटिसिज्म बहुत मिला है. ठीक है, नंबर ऑफ मेडिसिन मे चेंज फ्रॉम ओरिजिनल रिपोर्टरी टू ट्रांसलेटेड. तो जो मेन रिपोर्टरी है उसमें तो टोटल सिर्फ 126 मेडिसिन थी, अब डॉक्टर एलन ने 342 रेमेडीज उसमें की, और एच ए रॉबर्ट ने भी एडिशन निकाला था ना उसमें 362 रेमेडीज थी. तो इसकी वजह से थोड़ा है वो बात, तो लिमिटेशन है. ठीक है, तो नंबर ऑफ मेडिसिन जो है वो ओरिजिनल रिपोर्टरी में डिफरेंट है और ट्रांसलेटेड रिपोर्टरी में अलग है, इसलिए थोड़ा सा लिमिटेशन है. रूब्रिक में क्या है, तो
रूब्रिक में सम टाइम मोस्ट इंडिकेटेड रेमेडी नॉट फाउंड अंडर रूब्रिक। तो फॉर एग्जाम्पल देखें कि जैसे जैसे इग्नेशिया का कोई सा भी सिम्टम ले लेते हैं, ठीक है, तो इग्नेशिया या नाट्रमयूर कोई सा भी एक जो बेसिक सिम्टम अगर इस मेडिसिन में वो प्रेजेंट होना ही चाहिए, और वो सिम्टम जो है प्रेजेंट है पर उस रूब्रिक के अंदर वो इस मेडिसिन का नाम ही नहीं है, ऐसा कब देखने को मिला है, ठीक है। द मोस्ट इंडिकेटेड रेमेडीज आर नॉट फाउंड अंडर द रूब्रिक, ठीक है, ऐसा ये लिमिटेड लिमिटेशन है। मतलब डिजायर टू सॉल्ट में नाट्रमयूर तो होनी चाहिए, तो नाट्रमयूर मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मेडिसिन देखें, सब मेडिसिन जो हैं दे आर रिपीटेड एंड गिवन अनड्यू इम्पोर्टेंस इन द बुक। तो कुछ मेडिसिन जो हैं सारी रूब्रिक के अंदर, वेरेट्रम एल्बम का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है इस BTPB के अंदर, ठीक है। तो वेरेट्रम एल्बम जो है वो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड देखने को मिलेगी सारे रूब्रिक्स के, मोस्ट ऑफ द रूब्रिक्स के हेडिंग के अंदर, ठीक। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। माइंड सेक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है, लेस नंबर ऑफ रूब्रिक है, ठीक है। जैसे कैंट्स की रिपोर्टरी में माइंड चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे BTPB में माइंड सेक्शन जो है वो बहुत छोटा है। कॉन्कॉमिटेंट जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो है, मतलब उनने तो बोला ही है BTPB में फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में ही बोला है कि कॉन्कॉमिटेंट इम्पोर्टेंट है, पर एज सच स्पेसिफिक एक अलग से चैप्टर नहीं बनाया गया है इसको लेके, ठीक है। तो BTPB गिवन मोर इम्पोर्टेंट टू कॉन्कॉमिटेंट, बट दे हैव नॉट गिवन सेपरेट चैप्टर ऑफ दिस इन द बुक। कंप्लीट सिम्टम जो है वो इम्पोर्टेंट है पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते इस रिपोर्टरी के अंदर, देखने को स्ट्रिक्टली ऐसे एज सच देखने को नहीं मिला है। रिलेशन ऑफ रेमेडी भी यूजफुल है, पर इसमें भी कितनी रिलेशनशिप दे रखी है, ओनली 141 रेमेडीज गिवन है इसमें, ठीक है। तो ये हमारी BTPB खत्म होती है। अब ये बहुत लंबा सा है, तो इसमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, मेथड्स ऑफ रेपर्टराइजेशन और स्कोप एंड लिमिटेशन, ये पूरा 10 मार्क्स में आएगा, तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा हमें।